श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मंगलवार के दिन आपको एक उपाय करना है, इस स्थान पर आपको स्वास्तिक बनाना है। आपके ऊपर कितना भी कर्जा होगा, कितना भी आपने किसी का धन वापस देना होगा, कर्ज लिया है चुका नहीं पा रहे हैं, तो वो भी आपका जो है कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बड़ा ही चमत्कारी उपाय है, गुरुजी ने हमें बताया है। सारी आपकी जो भी परेशानियां हैं सारी इससे समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में धन का आगमन होगा, लक्ष्मी का आगमन होगा। जब लक्ष्मी आएगी तो सारा कर्जा आपका जो है उससे समाप्त हो जाएगा। मंगलवार के दिन हमने ये उपाय करना है। उपाय को पूरा जानने के लिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा और इस उपाय का लाभ उठाइएगा। तो गुरु जी ने हमें बताया है कि हमने क्या करना है। सबसे पहले तो मंगलवार के दिन आपने जो है एक लेना है नारियल। नारियल जो है आप साबुत नारियल जो होता है वो हमने लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक नारियल लीजिएगा, पानी वाला जो नारियल होता है वो लेना है, सूखा वाला नहीं लेना है। नारियल लेने के बाद इसके साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये आप देख रहे हैं, ये है सिंदूर। सिंदूर और इसके साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चमेली का तेल। बड़ी आसानी से आपको 10-20 रुपए की आपको इसकी छोटी बोतल जो है वो मिल जाती है पूजा सामग्री की दुकान से। सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी। तीन चीजें हम ले लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है नारियल। नारियल के ऊपर आपने बनाना है स्वास्तिक। अब स्वास्तिक जो है वो कुछ लोग जो है वो गलत स्वास्तिक बनाते हैं, तो स्वास्तिक बनाते हुए ध्यान रखिएगा वो हमने कैसे बनाना है। जो हमने सिंदूर लिया है और जो चमेली का तेल लिया है, सिंदूर के अंदर डालना है चमेली का तेल, उसका एक घोल बना लेना है। ध्यान रखिएगा पानी नहीं डालना है। घोल बनाने के बाद उतना ही बनाइए जितना हमने चाहिए। घोल बनाने के बाद आपने नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। कैसे बनाना है, स्वास्तिक बनाएंगे आप ऐसे, आप जो है सही तरह से आप स्वास्तिक अपनी उंगली के साथ ही बनाइएगा, किसी और चीज का जो है वो प्रयोग ना करिएगा। उंगली के साथ स्वास्तिक नारियल के ऊपर बना लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, स्वास्तिक के ऊपर ही आप थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए, या फिर जो है थोड़ा सा प्रसाद मीठा लड्डू आप जो है रख दीजिए नारियल के साथ ही। उसके बाद आपने क्या करना है, इस नारियल को कहाँ लेकर जाना है, हनुमान जी के मंदिर में। आपके घर के पास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर शाम के समय, मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाइए। वहां पर जो है आप हनुमान जी के चरणों में आपने इस नारियल को समर्पित कर देना है। आपका जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो आप कर्ज लौटा नहीं पा रहे, उसके लिए आपने जो है हनुमान जी से विनती करनी है। लगातार 5 मंगलवार इस उपाय को दोहराइएगा, आप खुद देखेंगे आपके जो कमाई के नए नए साधन जो है वो शुरू हो जाएंगे। आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा और जब लक्ष्मी आएगी घर में तो जाहिर सी बात है जो भी आपने किसी का जो है आपने कर्ज चुकाना है वो भी आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपके घर में खूब धन संपदा में वृद्धि होगी। तो मंगलवार के दिन ध्यान रखिएगा, इस उपाय को अवश्य करिएगा और इसका लाभ हासिल करिएगा। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।